एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ शाही व्हाइट चिकन कोरमा। तो आज की रेसिपी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबा दें। आज की रेसिपी में आप हमारे पूरे वीडियो में साथ बने रहें, क्योंकि यहाँ पर हमने ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया है, जिससे कि आपके बच्चों की सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चे तो इस तरह नहीं खाते। तो चले बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने कोरमे के लिए 1 केजी चिकन पहले से वाश करके रख लिए थे। अब एक बड़े से बाउल में चिकन डाल दें, स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लें, 1 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लें और यहाँ पर हम 1 छोटी कटोरी दही ऐड करेंगे और यहाँ पे हम 1 छोटी चम्मच गोल मिर्च पाउडर ऐड कर लें और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। दही, गोल मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेट करके अब इसे हम 20 से 30 मिनट तक मैरिनेट करके रख देंगे। जब तक चिकन हमारा मैरिनेट हो रहा है तो हम प्याज काट लेते हैं। यहाँ पर 1 केजी चिकन के लिए हमने 4 पीसेस बड़े बड़े प्याज का इस्तेमाल किया है। बस इसे रफली टाइप से इसे काटना है, क्योंकि इसका हम मिक्सर जार में पेस्ट बनाएंगे। तो सारे प्याज को इसी तरह आप चॉप कर लें और ये हमारे सारे प्याज कट चुके हैं। अब इसे हम साइड में रख देते हैं। अब एक पतीला हमने गैस पे पहले से गर्म करने के लिए चढ़ा दिए थे, इसमें 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल ऐड कर लें। आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल के जगह पे घी या फिर रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है और हमने जो प्याज को चॉप करके रखे थे उसे अब इसमें ऐड कर लें। प्याज को हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस थोड़े से हल्के से फ्राई करने हैं, क्योंकि यहाँ पे हम वाइट चिकन बना रहे हैं। तो प्याज को बस 2 से 3 मिनट तक फ्राई करें। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसका हम मिक्सर जार में पेस्ट बनाएंगे। अब इसमें हम थोड़े से गरम मसाला ऐड करेंगे। बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी, तेज़पत्ता डाल दें। अब इसमें हम मैरिनेट किए हुए चिकन ऐड करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट तक फ्राई करेंगे। जब तक हमारे चिकन फ्राई हो रहे हैं तब तक हम अपने मसाले को ग्राइंडर में इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो चलिए ग्राइंडर में हम कटे हुए प्याज ऐड कर लें और 10 से 15 पीस काजू ऐड करें। तो अब हम इसमें 1 बड़े चम्मच नारियल बुरादा ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसकी जगह नारियल को भी काट के ऐड कर लें। यहाँ पे अब हम 4 से 5 हरी मिर्च ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा तीखा खाते हो उसी के अनुसार हरी मिर्च ऐड करें और इसमें हम 1 बड़े चम्मच पोस्तदाना या फिर आप खसखस बोल सकते हैं इसे ऐड कर लें। और अब हम इसमें थोड़े गरम मसाला ऐड करेंगे। छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी 2-2 पीस डाल दें और पानी ऐड करके इसका हम पेस्ट बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इसका पेस्ट बना कर रख लिए हैं। तो आप भी इसी तरह से मिक्सर ग्राइंडर में इसका पेस्ट बना लें। इसी तरह हमारा ये चिकन 10 से 15 मिनट हो चुका है, ये हमारा चिकन फ्राई हो चुका है। तो इसमें हम पीसे हुए मसाले को ऐड कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लें। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसमें हम थोड़े से पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसे हम मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट तक ढक्कन लगाकर कुक करेंगे। एक से दो मिनट के बाद आप ढक्कन हटाकर 1 चम्मच किशमिश ऐड कर लें। बच्चे तो इस तरह से ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हैं, इसी बहाने आपके बच्चे ड्राई फ्रूट्स खा लेंगे। अब इसे कवर कर दें और 1 से 2 मिनट के बाद फिर हम इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी ऐड कर लेंगे। इसमें अब हम 1 चम्मच चीनी ऐड करेंगे। यकीन मानिए, चीनी आप डालोगे तो नमक और चीनी का टेस्ट मिलकर बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहे तो चीनी स्किप भी कर सकते हो। 10 से 5 मिनट हमारा हो चुका है। अब इसमें हम 2 बड़े चम्मच घी ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो इसकी जगह बटर ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हो हमने ये दूसरे
गैस के फ्लेम पे कोयले को जलने के लिए डाल दिए हैं। अब इसमें हम स्मोक डालेंगे। आप इसमें एक स्टील की कटोरी ले लें और जलते हुए कोयले डाल दें, और उस पर से एक चम्मच घी डाल दें, और उसे ढक्कन लगाकर 5 मिनट के बाद हम कटोरी को निकाल लेंगे। अब इसमें हम फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। आप चाहे तो मार्केट वाले क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, हमने यहाँ पे घर के फ्रेश क्रीम ऐड किए हैं। तो ये हमारा व्हाइट चिकन कोरमा बनकर रेडी है। तो बीच में आपको मैं फिर से याद दिला दूं कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहले आ जाए। तो अब इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। इस तरह से आप सर्विंग बाउल में निकाल लें। आप इसे पराठे के साथ सर्व करोगे तो बहुत ही मज़े के लगेंगे खाने में। आप इसे चावल के साथ मत सर्व करना, ये नान या पराठे के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। तो हमने यहाँ पे एक बाउल में सारे चिकन को निकाल कर धनिया पत्ती से गार्निश कर लेंगे। इस तरह से आप धनिया पत्ती से गार्निश कर लें। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने पराठे बनाए हैं। आप इसे पराठे के साथ खाओगे तो बहुत मज़े के और लजीज लगेंगे। ये हमने यहाँ पे तह वाले पराठा बना कर रख लिए थे, और अब हम इसमें एक प्याले में चिकन सर्व करेंगे। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। आपके बच्चे अगर ड्राई फ्रूट्स ना खाते हो तो इसी बहाने आपके बच्चे ड्राई फ्रूट्स खा लेंगे। आपको अगर पराठे की रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में पराठे की रेसिपी डाल दूँगी। तो चलिए आप लोग भी ट्राई करें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।